अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाज है और मैं वाकेंड में रहता हूँ। और अभी सुबह के 4:30 और मैंने अपने कज़न के साथ निकलना है इस टाइम नारान। आज का दिन हमारा नारान में होगा, तो आपको नारान तक का सफ़र दिखाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे मानसेरा पहुँचे हैं, लेकिन मानसेरा में तो बारिश के आप अरमान देखेंगे मेरी तरफ। यहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, इस वजह से हमें यहीं पर रुके हैं। हमारा सामान गीला हो जाएगा वरना। बालाकोट पहुंच गए। बालाकोट में आप सीन देख सकते हैं। कुनार हमारे साथ है, यहाँ पे शोर भी बहुत है क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आस पास से गुजर रही हैं। बाकी दरियाए कुनार के आपको सीन सिखाता हूँ। यार ये हम लोग क्या नाम है, यहाँ से इंटर हो रहे थे तो इन्होंने ये ना चिट दी है हमें 50 रुपये, मतलब कि हमसे लिए ना एंट्री। तो कहते हैं कि अगर ये गुम गई ना तो 450 रुपये जुर्माना भी है। एक तो 50 रुपये ले रहे हैं, ऊपर से 450 रुपये जुर्माना अगर गुम जाए तो। ठीक है सीन है यार, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा तो मैं आया नहीं हूँ, कि गलत बात है यार। यार ये आप लोग फ्रिज चेक करें, सारी कोल्ड ड्रिंक्स सारी इसमें डाल दी हैं। ठंडा यख पानी है और ठंडी रहती है इसके अंदर। अब मैं आपको अपने कज़न से मिलवाता हूँ, जिसके साथ एक्चुअली मैं इस टूर पे आया हुआ हूँ। मीट माई कज़न तलहा यूबी। और अभी तलहा ने चाय का ऑर्डर किया है, तो हम चाय पी के इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ब्रिज के सीन चेक करें बस, दिस इज अमेजिंग माशाल्लाह यार। ऐसा लग रहा है पानी के साथ नाच के जा रहे हैं। हम नारान के आसपास हैं अब, और थक गए थे। बाइक अब मैं चला रहा था, कागान का मैंने नहीं शूट कर सका क्योंकि बाइक जो मैं चला रहा था कैमरा बैग में था। और बस नारान के आसपास ही हैं अभी। जहां मैं खड़ा हूं मैं आपको यहां के व्यू दिखाता हूं। जैसे जैसे नारान करीब आ रहे हैं ना, गर्मी भी होती जा रही है। पहले मैंने जैकेट पहनी हुई थी, पीछे आपने देखी होगी, और अब ये देखें जैकेट मैंने उतार के रख दी है। Don't
फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तकरीबन हम सुबह 6 बजे निकले थे और टाइम हो रहा है 3:30, मतलब कि यार 10 घंटे तकरीबन 10 घंटे तो नहीं खैर, लेकिन खैर कुछ बात नहीं, हम बहुत चुके हैं, बीच में बारिश भी हो रही थी, स्टे भी किया है, बाइक भी ठीक करवाया है, तो हम नारान पहुंच गए हैं। ये नारान का मतलब कि स्टार्ट है, आप देखें ये सारी नारान वैली है, सारी एंड तक नारान वैली है, और तलहा भी अपनी पिक्चर्स बनाने में लगे हुए हैं। Now we are looking for camp. अब हम ढूंढ रहे हैं कैंप, कोई अच्छा सा कैंप मिले तो वहाँ पे अपना सामान रखें और फिर खाने का सीन करें। भूख बहुत लग रही है। हाय यार, नारायण पहुँचने के बाद हम लोगों ने कैंप लिया, कैंप लेने के बाद फिर खाना खाने गए, खाना शाना खा के सीधा फिर हम कैंप में आके सो गए, काफ़ी थक गए थे इस वजह से फिर सीधा आके सो गए। तो अभी उठे हैं, टाइम 10:30 बज रहे हैं, तो अभी हम नारायण बता जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ खाए पिएंगे, फिर आगे दोबारा सोचेंगे, फिर इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे गिलगित निकल लें, सुबह सुबह गिलगित। यार अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने आए हैं, कॉफ़ी लिखाओ बैठा मुझे तो मैंने अगर आप नारान आए और आपने नारान में कॉफ़ी नहीं ली तो आपने की अपने साथ बहुत बड़ी गलती की है। और ये नारान का मोस्ट फेमस ब्रिज, ये बहुत आला जगह है यार, नीचे दरियाए कुनार बह रहा है, ऊपर ये ब्रिज है।